चलो भैया, हमारा क्वेश्चन है नीट 2023 का, एकदम ताज़ा ताज़ा क्वेश्चन है, अजर्शन और रीज़न वाला। अब भाई अजर्शन रीज़न देख के तो एकदम दम निकल जाता है हमारा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना यार। 360 आउट ऑफ 360 लाने हैं तो यार करना तो पड़ेगा ही, बस थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बाकी इतने कठिन होते ही नहीं जितने लगते हैं। अजर्शन क्या कह रहा है कि एंडोमेट्रियम नेसेसरी है इम्प्लांटेशन के लिए ब्लास्टोसिस्ट के। हाँ सही लग रही है अभी, लेग के लिए यार पता ही है ऑब्वियसली। रीज़न है कि इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट्स दैट कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो भाई कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट करेगा ऑब्वियसली, जो कि कॉज करेगा डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। हाँ यार ये भी ठीक ठाक सी लग रही है। तो बिना कुछ मार्क करने से पहले एक बार एनसीईआरटी के दीदार कर लेते हैं कि यार एनसीईआरटी से ये पूछा भी है, एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन, ठीक है, तो एनसीईआरटी देखते हैं। देखो साफ साफ लाइन है कि ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट कहाँ एम्बेडेड होगा, एंडोमेट्रियम में यूट्रस के। इसी को क्या कह रहे हो तुम, इम्प्लांटेशन कह रहे हो, जिससे कि बाकी प्रेगनेंसी होगी फिर। तो ये तो हमें दिख गया, ये देखो एंडोमेट्रियम नेसेसरी इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है भाई ये साफ साफ दिख तो रहा है यार, ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन एंडोमेट्रियम यूट्रस और इसी को इम्प्लांटेशन करें, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं रीज़न हमारा कहाँ है, रीज़न एक पेज पीछे आना पड़ेगा तुम्हें। ये देखो, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट्स दिस कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। एकदम एकदम सेम लाइन है यार यहाँ से यहाँ तक, देखो ये रहा, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट, द कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट्स दिस कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, दिस कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। देख रहे हो बिल्कुल सही है। तो ये तो पता लग गया हमें कि ये भी ट्रू है, ठीक है, और ये भी ट्रू है, यानी कि अजर्शन ट्रू, रीजन भी ट्रू। लेकिन बात ये नहीं थी, ठीक है, बात क्या थी कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या फिर नहीं है, ठीक है, समझ लो। तो ये बताना है हमें। अच्छा एक बात ध्यान रखना, एजर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन में जब भी तुम्हें दोनों सही पता लग जाए, अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, एजर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं। पहला ऑप्शन ने क्या था कि रीजन जो है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का, और दूसरा ऑप्शन कि दोनों सही तो हैं लेकिन जो रीज़न है वो एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये कैसे पता लगाओगे अब, क्योंकि दोनों ऑप्शन में दोनों करेक्ट बता रखे हैं। इसमें करोगे तुम कि जैसे तुमने अजर्शन पढ़ लिया फिर बिकॉज लगा के रीज़न पढ़ना तुम, ठीक है, करके देखें। एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन फॉर ब्लास्टोसिस बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट्स दैट कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। ये कुछ सेंस बनना है यार इस बात का, बताओ, कुछ नहीं बन रहा। या ये एक और रास्ता है, ऐसे करके देख लो, रीज़न पढ़ो उसके बाद इसलिए लगा के अजर्शन पढ़ो, ठीक है। तो देखते हैं एक बार ये भी करके, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन ना होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट कर जाएगी और वो कॉज करेगा क्या, एंडोमेट्रियम का डिसइंटीग्रेशन, इसलिए एंडोमेट्रियम नेसेसरी है इम्प्लांटेशन के लिए। अरे कोई सेंस बैठ रहा है यार तुम्हें, बताओ, ठीक है, कहीं से कहीं तक बैठ ही ना रहा है सेंस यार। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, दोनों ट्रू तो हैं, करेक्ट तो हैं, लेकिन रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ओके okay?